अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम ए जमा बी कॉस हुआ तीन और ए नफी बी कॉस हुआ तीन की तौसी यानी एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट क्यू एंड ए माइनस बी ब्रैकेट क्यू की तौसी। इस तरह जो है हम ए जमा बी कॉस हुआ तीन और ए नफी बी कॉस हुआ तीन की तौसी करेंगे। तो सबसे पहले हम a जमा बी कॉस ओवर तीन की तौसी देखते हैं। a जमा बी कॉस ओवर तीन बराबर, यहां पर हम a जमा बी कॉस ओवर तीन को a जमा बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a जमा बी कॉस ओवर दो, इस तरह जो है हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर हम जानते हैं पहले हम a जमा बी कॉस में लिखेंगे और हम a जमा बी कॉस कुवत दो की तौसी जानते हैं कि a कुवत दो जमा दो ए बी जमा बी कुवत दो होती है। यहां पर हम a से इस पूरे ब्रैकेट को जर्ब करेंगे और जमा b से फिर दोबारा पूरे ब्रैकेट को जर्ब करेंगे बराबर a कॉस में a कुवत दो जमा दो ए बी जमा बी कुवत दो जमा b कॉस में a कुवत दो जमा दो ए बी जमा बी कुवत दो बराबर। यहां पर a से a कुवत दो को जर्ब करने पर हमें a कुवत तीन हासिल होता है, a से जमा दो ए बी को जर्ब करने पर हमें जमा के दो ए कुवत दो बी हासिल होते हैं, a से जमा बी को जर्ब करने पर हमें ए बी कुवत दो हासिल होता है, इसी तरह b से a को जर्ब करेंगे हम तो हमें a कुवत दो बी हासिल होता है, फिर जमा बी से जमा दो ए को जर्ब करने पर हमें जमा दो ए कुवत दो बी हासिल होता है, इसी तरह b से जमा बी कुवत दो को जर्ब करने पर हमें बी कुवत तीन हासिल होता है बराबर। ए कुवत तीन हम जैसा वैसे ही लिखेंगे, दो एक वह दो और एक एक दो एक वह दो बी और एक एक वह दो बी दोनों की जमा करने पर हमें तीन एक वह दो बी हासिल होते हैं, इसी तरह दो ए बी कुवत दो जमा एक ए बी कुवत दो तो जमा के तीन ए बी कुवत दो हासिल होते हैं और जमा बी कुवत तीन हम जैसे के वैसे ही लिखेंगे। यानी यहाँ पर हमें a जमा बी कॉस ओवर तीन की तौसी a ओवर तीन जमा तीन a ओवर दो b जमा तीन ए बी ओवर दो जमा बी ओवर तीन हासिल होती है। प्यारे बच्चों, हमें इस जाब्ते को जहन नशीन करना है। इसी तरह हम a नफी b कॉस ओवर तीन की तौसी करेंगे, यानी a नफी बी कॉस कुवत तीन बराबर, हम यहाँ पर ए नफी बी कॉस कुवत तीन को ए मनफी बी दूसरे कॉस में ए मनफी बी कॉस कुवत दो इस तरह लिख सकते हैं बराबर। ए नफी बी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमें पता है कि ए नफी बी कॉस कुवत दो का पहला तौसी क्या होती है, एक कुवत दो नफी दो ए बी जमा बी कुवत दो होती है बराबर। यहाँ पर हम a से इस पूरे ब्रैकेट को जर्ब करेंगे और नफी b से दोबारा इस पूरे ब्रैकेट को जर्ब करेंगे, तो a कॉस में a कुवत दो नफी दो ए बी जमा बी कुवत दो, नफी b दूसरे कॉस में a कुवत दो नफी दो ए बी जमा बी कुवत दो बराबर। ए से एक कुवत दो को जर्ब करने पर एक कुवत तीन हासिल होता है, ए से नफी दो ए बी को जर्ब करने पर हमें नफी दो एक कुवत दो बी हासिल होता है, ए से जमा बी को जर्ब करने पर हमें ए से बी कुवत दो को जर्ब करने पर हमें जमा ए बी कुवत दो हासिल होता है, इसी तरह नफी बी से एक कुवत दो को जर्ब करने से हमें नफी एक कुवत दो बी हासिल होता है और नफी बी से नफी दो ए बी को जर्ब करेंगे हम
तो जमा के दो ए बी कुवत दो हासिल होते हैं और नफी बी को जमा बी से जर्ब करने पर नफी बी कुवत तीन हासिल होते हैं बराबर एक कुवत तीन नफी दो एक कुवत दो बी और नफी का एक नफी के दो ए कुवत दो बी और नफी का एक ए कुवत दो बी नफी के तीन ए कुवत दो बी हो गए। इसी तरह जो है जमा के दो ए बी कुवत दो और जमा का एक ए बी कुवत दो जमा के तीन ए बी कुवत दो हासिल हो गए और नफी बी कुवत तीन वैसे ही लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर हमें ए नफी बी कॉस कुवत तीन की तौसी एक कुवत तीन नफी तीन एक कुवत दो बी जमा तीन ए बी कुवत दो नफी बी कुवत तीन हासिल होती है। प्यारे बच्चों हमें इस जाब्ते की तौसी को भी जहन नशीन कर लेना है ताकि हम इन दोनों जाब्तों पर मिसालें हल कर सकें।